हाँ जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि धुम्मा सॉन्ग नहीं आएगा। दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है, गुलजार भाई ने अनाउंसमेंट किया है। क्यों किया है, किस कारण से किया है, सारी बातें आपको बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखना। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गुलजार भाई की सबसे पहले अपडेट यहीं पर दी जाती है। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों प्रूफ के साथ बताऊँगा और सारी सच्ची बात बताऊंगा, इसमें झूठ 1% भी नहीं है, जो भी है रियल है वो भी आपके सामने है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि गुलजार भाई ने अनाउंसमेंट किया था कि धुम्मा सॉन्ग आएगा अगले महीने, यानी इस महीने में। इससे पहले आएगा एक गैंगस्टर पर सॉन्ग, मतलब इस महीने और इस पिछले महीने में दो धमाके एक साथ होने वाले थे, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो तो कारण आपको पता होगा कि गुलजार भाई के घर पर हमला हुआ, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ, इसलिए वो शूटिंग करने के लिए बाहर तो जा नहीं सकते और शूटिंग घर पर हो नहीं सकती, इसलिए शूटिंग नहीं होगी तो गाना भी नहीं आएगा। हाँ हो सकता है लिरिक्स में आ सकता है वो सॉन्ग, धुम्मा और गैंगस्टर दोनों लिरिक्स में आ सकता है, लेकिन लिरिक्स में नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों बड़ा प्रोजेक्ट है। दोस्तों कारण तो आपको पता चल गया होगा, प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। और कई नीचे कमेंट करेंगे तो हमला हुआ तो क्या हुआ, शूटिंग करने तो जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, जब परिवार पर बात आती है ना तो उनको छोड़कर कहीं पर जाया नहीं जा सकता, अगर किसी कारण से चल भी जाता है तो उसका दिल नहीं मानता। तो दोस्तों यही कारण था कि धुम्मा सॉन्ग नहीं आएगा। और दोस्तों जिसको पता था बहुत अच्छी बात है, आप भी गुलजार भाई को सपोर्ट करो, वो किस तकलीफ़ में है उनकी भी कुछ फीलिंग समझो। और दोस्तों यदि आप गुलजार भाई के फ़ैन हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ दोस्तों कमेंट में ये ज़रूर बताना कि कौन कौन गुलजार भाई के साथ में है, खड़ा है, और कितने जने हैं। वीडियो भी इतने ज़्यादा शेयर कर दो कि गुलजार भाई तक पहुंच जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।